नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मास्टर राजनीतिक रणनीतिकार और महान राजनीतिक नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। अमित शाह आज अपना 57वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। उनके 57 वर्ष के होने पर देश भर के शीर्ष नेताओं ने उन्हें इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर देवेंद्र फडणवीस, हिमंत बिस्वा सरमा, हरदीप सिंह पुरी समेत कई राजनेताओं ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को 57वें जन्मदिन पर बधाई दी और भारतीय जनता पार्टी तथा सरकार में उनके योगदान की प्रशंसा की। मोदी जी ने ट्वीट किया, श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैंने कई वर्षों से अमित भाई के साथ काम किया है और पार्टी तथा सरकार को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखा है। वह ऐसे ही उत्साह के साथ देश की सेवा करते रहे। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वह एक सुरक्षित भारत सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रही है। लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, समर्पित राष्ट्रवादी, कुशल राजनीतिक रणनीतिकार और एक लोकप्रिय लोह इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प नेता अमित शाह जी को जन्मदिन की बधाई। भगवान उन्हें आने वाले सालों में अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन प्रदान करे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह का जन्म गुजरात में 1964 में हुआ और वह लंबे समय से पीएम मोदी के करीबी सहायक रहे हैं। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और इसी साल शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वह गुजरात में मोदी की सरकार में मंत्री थे। 2019 में वह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री बने। रिपोर्ट।